साथियों नमस्कार। आज 25 अक्टूबर 2023 है और आज सुबह 5:30 बजे के जो तारामंडल में गोचर ग्रह घूम रहे हैं उनके अनुसार हमारे मित्रों के लिए जो राशिफल बनेगा उसमें से मेष राशि वालों के लिए दिन अभी भी ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनके सप्तम भाव में गुरु और राहु का चंडाल योग चल रहा है। इसलिए आप अपना हर तरीके से पूरा ध्यान रखें। वृषभ वालों के लिए दिन अच्छा है, इसके दिन का पूरा लाभ उठाएं। मिथुन राशि वालों के लिए भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। कर्क राशि वालों के लिए भी समय अच्छा चल रहा है, पेंडिंग काम को पूरा कर सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए भी दिन अच्छा है, क्योंकि शुक्र जो है उनके लाभ स्थान केंद्र में है, कोई लाभ की बात आपके लिए बन सकती है। कन्या राशि वालों के लिए भी दिन शुभदायक है, यात्रा का योग बन सकता है। तुला राशि वालों के लिए अभी भी दिन ठीक नहीं है, क्योंकि उनके चार ग्रह सूर्य मंगल बुध और केतु ये जो हैं इनके लग्न में है, इसलिए पूरी ध्यान रखने वाली बात है। और मकर राशि वालों के लिए दिन अच्छा है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए दिन ठीक है, क्योंकि शनि जो है उनके पंचम भाव में है और खुद के घर में बैठे हैं उच्च स्थान के बनकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीन राशि वालों के लिए दिन ठीक नहीं है, क्योंकि चंद्रमा जो है उनका 12वां है और आज चंद्र ग्रहण भी है, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान रखें। आज आश्विन मासी शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि है, आज एकादशी का व्रत भी है और आज शाम को चंद्र ग्रहण लगेगा, इसलिए आप अपना पूरा ध्यान रखें। आज का नक्षत्र शतभिषा है।